हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सरकार द्वारा समूचे देश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड सिस्टम IPHSS के तहत स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरियों SAD उप स्वास्थ्य केंद्रों APHC को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC स्तर की सुविधा से लैस करने जा रही है, जिसके तहत जिलाधिकारी ने विकास खंड स्तरीय प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उनके अधीनस्थ उप स्वास्थ्य केंद्रों SAD को PHC स्तर की सुविधाओं से लैस करने के लिए आवश्यक उपकरणों भवनों की स्थिति एवं उनके प्रसार मेडिकल स्टाफ इत्यादि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट में दर्शाए गए डेटा आंकड़ों के भौतिक सत्यापन असली निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी मंगलवार को राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय नकोट पहुंचे, जहां उन्होंने 28 पन्नों के रिपोर्ट में दर्ज IPHSS के मानकों का मिलान निरीक्षण करते हुए चिकित्सालय में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं से किया निरीक्षण। के दौरान चिकित्सालय में साफ सफाई तो संतोषजनक लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर असंतोष व्यक्त किया। वहीं OPD और IPD भी औसतन कम पाई गई, जिस पर उन्होंने संबंधित प्रभारी चिकित्सक को फटकार लगाई। चिकित्सालय में OPD IPD और दवाओं की उपलब्धता व वितरण का स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुस्लिम को फटकार लगाते हुए कहा कि यहाँ रहते भी हो या आज ही आए हो। इसके उपरांत उन्होंने चिकित्सालय के कक्ष में संचालित हो रहे ANM सेंटर मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के निरीक्षण में पाया गया कि केंद्र में ना तो प्रसव कराए जा रहे हैं और ना ही कोई रेफरल रजिस्टर बनाया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट की। जिसको ने कहा कि केंद्र में प्रसव ना कराए जाने के कई कारण हैं, जिसमें पानी की कमी व पर्याप्त स्टाफ की कमी मुख्यतः शामिल है। इसके अलावा कुछ गर्भवती महिलाओं व बच्चों के रूटीन टीकाकरण में भी नियंत्रण नहीं पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने ANM ज्योति माला को कहा कि यह स्थिति खेदजनक है, चेताया कि आगे से इस प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा का निरीक्षण किया। केंद्र में प्रवेश करते ही स्ट्रेचर पर पसी धूल को देखकर जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सालय में साफ सफाई नियमित रूप से की जाए। इस दौरान उन्होंने औषधि भंडार, चिकित्सक कक्ष, टीकाकरण कक्ष, प्रसव कक्ष व उसके स्थापित बेबी वार्मर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इत्यादि चालू व दुरुस्त अवस्था में पाए गए।